दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट शानदार रहा है। रिजल्ट के आते ही सभी छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बता दें कि एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बारहवीं तक संचालित है। इस साल बारहवीं में 130 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 34 बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं 59 बच्चों को 80% से ज्यादा अंक मिले। दसवीं की अगर बात करें तो दसवीं के कुल 206 छात्र परीक्षा में बैठे, जिसमें 26 बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक मिले। वहीं 70 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80% से ज्यादा अंक अर्जित किए दसवीं और बारहवीं में। जो पूरे परीक्षा नतीजों की अगर बात करें तो एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के बच्चों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। दोनों कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा। बच्चों की सफलता पर स्कूल के संचालक भावना बोहरा, सीईओ विनीत राजौरिया, प्राचार्य जसवीर चौधरी समेत संस्था के लोगों ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत अच्छा लग रहा है, टेंथ में टॉप किया है, अपने और अपने माँ बाप का नाम बहुत रोशन किया है। इसके पीछे स्कूल वालों का बहुत हाथ रहा, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो हमेशा मेरा साथ दिया। खासकर मुझे एक बीमारी डायग्नोज हो गई थी एग्जाम्स के समय, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। एक अलग रूम, सेपरेट रूम दिलाया जिसमें मैं एग्जाम दिला सका। मैंने जो भी अचीव किया है इसके लिए मैं अपने माता पिता, अपने टीचर्स, सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उनके बिना ये सब नहीं हो पाता। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझ में ये विश्वास दिलाया कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी। गर्व तो बहुत महसूस हो रहा है और बड़ी बात यह है कि जिस परिस्थिति में उसने टॉप किया है, उसको लाखों में एक होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी, गुलियन बैरे सिंड्रोम, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम उसको दो बार मुंबई से रायपुर एग्जाम देने के लिए लेके आए। स्कूल स्टाफ ने भी बहुत सपोर्ट किया है, अप्रोप्रिएट उसकी सिटिंग अरेंजमेंट और उसके एग्जाम में पहुंचने का समय, उसका एग्जाम कैसा गया, बहुत स्कूल से भी हमको सपोर्ट मिला। जो साल भर उन्होंने मेहनत की है, आज उनका रिजल्ट आया है, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और पूरा मैनेजमेंट आज बहुत खुश है उनके रिजल्ट को देखकर। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि आने वाले जो समय है, हम लोगों ने शुरू से ये कोशिश की है कि स्कूल के अलावा जो आने वाले उनके जो अचीवमेंट जो आगे अचीव करेंगे उसके लिए हम उनको रेडी कर पाए। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने उसका पहला स्टेप पार कर लिया है और भविष्य में उनके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आने वाले समय में इससे और ऊंची ऊंचाइयों को वो छुएं।